मित्रों, कविता क्या है इस पर मैंने चार लाइनें लिखने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं अपनी बात वहीं से प्रारंभ करूं। मैं बता ही रहा था कि ये काशी है, काशी शिव की नगरी है, शिव हास्य के देवता है, तो जाहिर सी बात है हास्य के कवियों की एक लंबी फहरिस्त रही है बनारस में, उसको बहुत ज़्यादा विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और कविता क्या है, मैंने कोशिश की लिखने की कि कविता सुख में हंसती, गम में संग संग रो देती है। कविता सुख में हंसती, गम में संग संग रो देती है। कविता थकते ही शब्दों के आंचल में सो लेती है। कविता सुख में हंसती, गम में संग संग रो देती है। कविता थकते ही शब्दों के आंचल में सो लेती है। कविता मन के कटुता रूपी दागों को धो देती है। कविता श्रोताओं के मन में संस्कार बो देती है। ये कविता है और कविता की ताकत है। मित्रों, बारी बारी से जो भी रचनाकार है, मैं चाहता हूं कि वो आएंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर जाएंगे। आप जानते हैं कि श्रृंगार को ही रसों का राजा कहा जाता है, और जब तक प्रेम न हो तब तक मुझे लगता है कि किसी भी रस की निष्पत्ति होना ही बहुत ही कठिन है, या फिर ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे साथ हमारे छोटे भाई हैं कल्याण सिंह विशाल। तो मैं चाहता हूं कि पूज्य गुरुवर स्वर्गीय चंद्रशेखर मिश्र जी ने कवियों के लिए, रचनाकारों के लिए, पत्रकारों के लिए जो बात कही थी, वो भूमिका में कल्याण सिंह विशाल की पढ़ना चाहता हूं और एक छंद के माध्यम से बुलाना चाहता हूं। चंद्रशेखर मिश्र जी ने कही ये बात कि फूल लिखो, कहीं पान लिखो, कहीं गेहूं लिखो, कहीं धान लिखो रे। फूल लिखो, थोड़ा सा 10 मिनट की बात है, 10 मिनट के लिए थोड़ा कविता सुनने के मूड में आप आ जाइएगा। रचनाकारों को जब तक आपकी तालियों का आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक उनके मन से ये बात नहीं आती कि कुछ सुना पाए। तो कल्याण के कोई भी बात आपकी आपको अच्छी लगे तो जरूर आप आशीर्वाद दीजिएगा। मंच के जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं उनका आशीर्वाद मिलना तो बहुत जरूरी है। चंद्रशेखर मिश्र जी ने कभी ये बात कही, फूल लिखो, कहीं पान लिखो, कहीं गेहूं लिखो, कहीं धान लिखो रे। खेत लिखो, खलिहान लिखो, खलिहान के साथ किसान लिखो रे। जो कुछ भी लिखना है लिखो, पर आए मेरे भाई जवान लिखो रे। देश के देखो जहां टुकड़े, उन्हें जोड़ के हिंदुस्तान लिखो रे। देश के देखो जहां टुकड़े। मैं चाहता हूं बहुत जल्दी से आए कल्याण विशाल और अपनी एक रचना के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करें। मैं यहीं खड़ा रहूंगा, बाकी रचनाकारों को पढ़ा करके फिर अपनी जगह लूंगा। आइए कल्याण। और समय की अपनी सीमा है, मैं बहुत कम समय में अपना एक परिचय छंदावली के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। कि क्यों विश्वास लिए पढ़ रहा गीत हूँ मैं, कि होगी दिल की जो बात गीत में सुनाऊंगा। कि क्यों विश्वास लिए पढ़ रहा गीत हूँ मैं, होगी दिल की जो बात गीत में सुनाऊंगा। कि काशी का हूँ कल्याण, महादेव का हूँ लाल, ढोल मृदंग और ताल पे भी गाऊंगा। कि मिलो प्यारे आशीर्वाद उसने अगर आपका, तो तालियों के ताल पे मैं गीत को सजाऊंगा। और प्रेम पे जो पूछे प्रश्न, प्रेम 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 नहीं। कि प्रेम पे जो पूछे प्रश्न, प्रेम 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 नहीं। कि परिभाषा प्रेम की मैं प्रेम ही बताऊंगा, परिभाषा प्रेम की मैं प्रेम ही बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक रचना भैया, हम चाहते हैं कि आप इजातों की वो एक गीत हम समझाते हैं कि आप सभी को इजाफ मिले आप सभी से, कि मैं पढ़ूँ उसे जी। कि प्रिय देखा जाएगा, अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा। कि प्रिय देखा जाएगा, अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा। पहली बार नायक और नायिका मिल रहे हैं, सुनिएगा। कि पहली बार मिले जो तुम थे, खुल गए भाग्य हमारे। पहली बार मिले जो तुम थे, खुल गए भाग्य हमारे। हम जो तुमको मिल गए तो फिर हो दुर्भाग्य तुम्हारे। कि रूप मदिरा हुस्न कहोया, कि रूप मदिरा हुस्न कहोया, वक्त विचारेगा देखा जाएगा, अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा। है प्रिय देखा जाएगा, अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा।
सुनिएगा कि किस प्रकार से प्रेम में निश्चल होना है होता है, कि वो नायक और नायिका किस प्रकार से निश्चल है। कि एक बगिया की राज दुलारी एक है राज दुलारा, कि एक बगिया की राज दुलारी एक है राज दुलारा, कि एक है पावन मुनि प्रेम में एक गंगा की धारा, कि एक लिखता है गीत गगन में, एक लिखता है गीत गगन में, देख पपीहा गाएगा देखा जाएगा, अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा। तीसरा बंद सुनिएगा कि एक पंछी जो प्रेम पथिक है उड़ता चीर गगन में, कि एक पंछी जो प्रेम पथिक है उड़ता चीर गगन में, अरे एक पंछी जो व्यथित प्रेम में गाता गीत मगन में, कि देखो प्रेम भरी नयनों से कि वंदन जग वंदन अभिनंदन, प्रेम पुकारेगा देखा जाएगा, अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा है प्रिय देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। और मैं इस अंतिम बंद को पढ़ के अपना जगह स्थान लेता हूँ। सुनिएगा कि मेरी इच्छा इतनी सी है जीवन गीत गायनी हो, कि मेरी इच्छा इतनी सी है जीवन गीत गायनी हो, सिमटूं जिसकी बाहों में मैं अंतिम मोक्ष दायनी हो, कि सिमटूं जिसके बाहों में मैं अंतिम मोक्ष दायनी हो, कि धन दौलत सब रह जाएगा, धन दौलत सब रह जाएगा, कर्म ही लेता जाएगा देखा जाएगा, अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।